गोदाज के 12 से 14 महीने के जोड़ी अपन 18,000 से निकाल रहे हैं। 18,000 में जोड़ी यानी 9,000 रुपए में एक बकरा पड़ेगा। देखिए बारह हजार में लास्ट फाइनल में दे रहा हूँ। 12,000 में एक जोड़ी बोला तो 24,000 जोड़ी। क्या है इसमें आपके साल रेट कहीं को बढ़ गए हैं पर सब लोग? ये साल बहुत बढ़ गए हैं सर। क्यों बोले तो बहुत ज्यादा लेबर का प्राइसिंग बढ़ गया। ये है 46 का जोड़ी। 46,000 जोड़ी मतलब 23,000 रुपए का एक। ये बकरे माशाल्लाह जबरदस्त है। ये बकरे का प्राइस क्या है भाई? प्राइस देखिए 60,000 रुपए जोड़ी बता रहे हैं जो। जबरदस्त व्हाइट कलर का हमारे को जबरदस्त बकरा मिला यहाँ पे। कितने का है भाई ये बकरा? भाई इसको 30 में निकालेंगे। 30,000 फाइनल प्राइस है। देखिए भाई 24,000 जोड़ी। 24,000 की जोड़ी वो ज्यादा रेट लिखा उसमें थोड़ा कमी करे तो क्या है बोल सकते हैं। महंगा है, सस्ता है? बहुत महंगा है। महंगा है फिर आप क्या करेंगे? आज जो खरीदेंगे ना एक दो दिन रुक के खरीद। दो दिन रुकेंगे सर। बाद में 8,000 रुपए जोड़ी है। कैसे देखिए नाजरीन, 52,000 रुपीस में जोड़ी आएगी है। आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान एस एम मसूद अहमद। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बकरीद का स्पेशल बकरा मार्केट। हम आए हैं आज महफिल होटल एयरपोर्ट कार्गो रोड के पास। एयरपोर्ट कार्गो रोड पर यहाँ पर हर साल लगता है एक बकरे का बहुत ही बड़ा मार्केट, जहाँ पे गांव से, क्योंकि शमशाबाद के करीब है तो गांव से ये लोग पहले यहीं पर लाकर बेचते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम दामों में और अच्छे बकरे मिलते हैं, इसलिए हम आज आए हैं आपके लिए जलपल्ली एयरपोर्ट कार्गो रोड का मार्केट आपके लिए खसूसी तौर पर लेकर। चलिए देखते हैं यहाँ पर बकरों के क्या किस्में हैं, क्या इसके दाम हैं बकरों के। आइए देखते हैं। तो देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये बकरे का मार्केट है जो जलपल्ली का। हाँ तो हम आए हैं यहाँ पे जलपल्ली का जो बकरा मार्केट है। क्या नाम है आपका? मल्लेश। मल्लेश, मल्लेश भाई, मल्लेश भाई आए हुए यहाँ पे बकरे बेचने। कहाँ से आए आप? महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। महबूबनगर से हर साल आते हैं आप जी। अब ये जो बकरे है, ये बकरों का रेट क्या है? 24,000 जोड़ी। 24,000 को जोड़ी। हाँ तो अब ये पिछले साल से बढ़ के हो गया, महंगा हो गया बकरा कहीं को? कहीं को बोले तो ये साल में बकरा नहीं है सर। हाँ घास नहीं है, बारिश में बकरा बहुत कम है। हाँ हाँ इसके लिए रेट बढ़ा हुआ है। अच्छा हम लोग को बढ़ा के लिया सो, हम लोग को ज्यादा गिरा मेरा। आप वहाँ से खरीद के लाए सो? खरीद के लाए सो मेरा भी। अच्छा अच्छा आप पालते सो नहीं बकरा? अच्छा 24,000 को जोड़ी आता। फाइनल क्या रेट होता? फाइनल 23,500 जोड़ी। 23,500 जोड़ी। देखिए 23,500 जोड़ी बोल रहे बकरी है, बहुत ज्यादा रेट दिख रहा जी। क्योंकि गैसो साल भी हम लोग लिए थे उसके अंदर थोड़ा कम था। ये बकरे का साइज भी छोटा है, वो हिसाब से बहुत ज्यादा रेट दिख रहा। उसमें थोड़ा कमती करे तो क्या है बोल सकते हैं जी जी। आगे उम्मीद है खोजने की, कम होने की। अभी तो आज इतवार है, अब अभी और 4 दिन बाकी है, देखते हैं आगे आगे रेट कम होता। चलिए हम लोग और आगे जाके देखते हैं और आगे क्या रेट है बकरा। आइए हम यहाँ मिलते हैं हमारे एक और एक भाई साहब आए हुए बकरा खरीदने। क्या नाम है भाई आपका? शेख नबी चांद साहब है जी। जी साहब यहाँ पे बकरे लेने के लिए आए थे हम जी, लेकिन क्या है मालूम है यहाँ पे 24,000-25,000 रुपए से कम नहीं है जोड़ी जी। 8-8 महीने आगे आगे जाएंगे तो 17,000-18,000 रुपए जोड़ी है। अच्छा आगे है? आगे भी है और है आगे, जितना आगे जाएंगे उतना महंगा है आगे। महंगा है, सस्ता है? बहुत महंगा है आगे। महंगा है, बहुत महंगा है। रेट महंगा दिख रहा है? बहुत महंगा है। पानी गिरने के नहीं गिरने की वजह से हर चीज महंगी है सर। हाँ पानी गिरेगा तो फिर आ जाएंगे उन लोग अपने। फिर आप क्या करेंगे? आज जो खरीदने आए खरीदेंगे ना एक दो दिन रुक के खरीद? दो दिन रुकेंगे सर। क्या करेंगे, मजबूरी है। रुके रुके तो रेट कम हो जाएगा बोल के होता हूँ इंशाल्लाह। दो दिन रेट कम हो जाएगा साहब जी जी जी। वो हिसाब से थोड़ा बहुत कोशिश करने के लिए आए हम। कोशिश कर रहे हैं। आपका बजट क्या है, कहाँ तक है अंदाजा? देखो साहब एक 20,000 रुपए के अंदर हो गया तो जोड़ी ले लेंगे बोल के आए। तो नहीं मिल रहा 20 में जोड़ी? नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा बहुत महंगा है जी जी जी। क्या करेंगे साहब, 1-4 जगह फिर के भी आ रहे हैं साहब जी जी जी, कुछ नहीं हो रहा। देखेंगे एक दो दिन के बाद क्या है क्या नहीं। अच्छी बात है, ठीक है, अगर मिल गया तो ले लेंगे, कुछ भी हो ऊपर नीचे करके। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। रमेश, रमेश आए यहाँ पे देखिए बकरे बेचने। कैसा है जोड़ी बकरे? 26,000 है सर। 26,000 कहीं को ऐसा
ना पूरे रेट बढ़ गए सबके काम वाले को या ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो, हमारे को भी कुछ भी नहीं मिलते। तुम भी गांव से खरीद के लाए सो है ना, पाले सो है बकरे? नहीं, पाले सो हम। तुम पाले सो है तो फिर तुम बेच सकते हैं ना कम में? हम बेच सकते मगर वो काम वाले को भी देना पड़ता ना सब, एक एक 25,000-30,000 तनखा है उसको। हाँ फिर चार पाँच जने काम वाले को रख लेंगे। महंगाई से पूरा नहीं, महंगा है बोल रहे हैं, बकरे के हिसाब से रेट है सब, माल के हिसाब से रेट है, ज्यादा नहीं है। दो दिन खड़े तो तुम उतारते रहे? नहीं नहीं उतारते, पूरा रेट उतर गए तभी फिर वापस लेके जाके पाल के फिर दूसरों को बेचते हैं, मगर यहाँ ये नहीं करते साहब, हमारे को नुकसान होते साहब। नहीं तुम पाले सो है ना, एक साल पाले नहीं तो या बोना पाले सो है ना, और फेस्टिवल आए 20 में और फंक्शन वालों में या फंक्शनों में नहीं देखो बहुत रहते साहब। नहीं नहीं तुम खरीद के लाए सो नहीं ना, पाले सो है ना तो तुम बेच सकते ना कम में? नहीं नहीं प्रॉब्लम क्या आ रहा तुम्हारे? हाँ बेच सकते, काम वाले को रख लेके उन लोगों को तनखा भी देना ना सब, कहाँ से आते तो तनखा देने नहीं हो रहा, वर्कआउट नहीं हो रहा, नहीं मार्केट देख के रेट नहीं गिरा रहे हैं, बाद में रेट कम नहीं, वैसा नहीं है साहब। अब देखो ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या क्या है आपको देखें, आपको मालूम है बड़ा इतना बड़ा माल ना है ना तो उसमें तो आपको वर्कआउट होता ना, उसमें वर्कआउट नहीं होता। हाँ अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, देखिए नाजरीन देखते हम लोग हर साल इसी तरह कि जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है तब बकरों का रेट कम होता है, तो शायद उम्मीद करते हैं कि भाई साहब भी जो अब 26,000 बोल रहे हैं, कल परसों जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसका रेट कम करते जाएंगे। चलिए देखेंगे आगे। देखिए नाजरीन यहाँ हम आए हैं जलपल्ली तालाब के पास है, जो एयरपोर्ट कार्गो रोड पे जो तालाब है, तालाब के पास है ये बकरे, जो बहुत ही अच्छे बड़े सिंग वाले बड़े बकरे दिख रहे हैं, मगर इसका रेट भी ज़्यादा ही छूंगा इस हिसाब से। आइए पूछते हैं इनके बकरों के बाद में। 8,000 रुपये जोड़ी है कहते। देखिए नाजरीन ये बकरे बहुत ही शानदार बकरे हैं, मगर उसके हिसाब से रेट भी वैसी से बहुत शानदार रेट बोल रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश कहाँ से आप? महबूबनगर से। महबूबनगर से आए हुए रमेश, देखिए बकरे लाए, कहाँ के ये बकरे? ये महबूबनगर का है भैया। महबूबनगर का क्या है ये? पोटला है। हाँ पोटला है। उसकी ये नस्ल ये? नहीं ये महबूबनगर का है भैया। अच्छा महबूबनगर का ये पोटला है, देखिए जबरदस्त पोटले है ये, मगर रेट भी बहुत शानदार बोल रहे हैं। 60,000 क्या होगा ये फाइनल? कितने में आएगा फाइनल? आपको 52 तक आएगा भैया। 52,000 रुपीस में जोड़ी आएगी ये, 52,000 रुपीस में। कितना निकलता है इसमें? कितना निकलता भैया? 25 तक निकलता। 25 केजी गोश्त निकलता बोल रहे हैं आप। लाइव वेट कितना है? लाइव वेट रहता भैया 60 किलो तक रहता। 60 किलो तक रहता है लाइव वेट, और इसमें कटे बाद 25 तक निकलता बोल रहे हैं। देखिए नाजरीन ये जबरदस्त वाइट कलर का हमारे को जबरदस्त बकरा मिला है यहाँ पे एक रोड पे, अब जलपल्ली की जो एयरपोर्ट कार्गो रोड है ये रोड पे, देखिए वाइट जबरदस्त बकरा है ये। आइए पूछते हैं बकरा कितने का है, क्या है बोल के। भाई आपका नाम क्या है? हसन गुन्ना भाई। हसन गुन्ना कहाँ के है आप? बारकस में रहने वाले भाई। बारकस में रहने वाले है, माशाल्लाह यहाँ के मुकामी है हमारे को यहाँ मिले जो। जी भाई ये बकरा कितने का है भाई? ये बकरा भाई इसको 30 में निकालेंगे वो रहे। 30,000 फाइनल प्राइस है। देखिए भाई ये नेगोशिएबल भी हो जाएगा थोड़ा। अच्छा कितने साल का है ये? ये अभी 2 साल का है समझो, 4 जात है। 2 साल का है ओके। इसकी कुछ रहती क्या, इसकी जात क्या है? ये रामपुरी है भाई। रामपुरी पटले से कम मिलते बहुत है सर, रामपुरी में विलायती में मिलते ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आप ये पाल के बेच रहे हैं? जी हो बचपन से हमेशा करते है क्या आप ऐसा? जी नहीं यही साल जरा शौक के लिए पाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शौक के लिए पाले 2 साल से समझो अपने पास। हाँ देखिए नाजरीन ये जबरदस्त बकरा है ये भाई हमारे, माशाल्लाह यहाँ के बारकस के रहने वाले हैं, यहाँ लेके आए देखिए बकरा बेचने ये मार्केट में। ठीक है भाई ओके, उम्मीद करते हैं आपको, आप जो प्राइस बोल रहे हैं वो प्राइस में कोई ले के चले जाए। आइए आप नेगोशिएबल भी कर देंगे थोड़ा बहुत। अच्छा चैनल से आपका आपका नंबर बोल दीजिए। अपना नंबर 9133981623 इनका नंबर है, देखिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप आके ले सकते हैं इनसे बकरा। ठीक है देखिए नाजरीन ये इतवार के दिन सबको छुट्टी है, इसलिए सब आए हुए हैं यहाँ पे बकरा खरीदने ये मार्केट में। यहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं,
इस वजह से दिख रहे होंगे शायद, ताकि क्योंकि इनको जो बकरे मिल रहे हैं वो बकरे का प्राइस इनको रिजनेबल लग रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे देखिए पूरे बकरे बने हुए हैं। कई लोग ले लेके जा रहे हैं यहाँ से बकरे, हम दूसरी जगह भी देखे थे मगर वहाँ पे लोग खरीद रहे नहीं थे, खाली रेट बोल रहे थे लोग। आइए आप पूछते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम बाला कृष्णा है। बाला कृष्णा, कहाँ से आप? महबूब नगर है। महबूब नगर, महबूब नगर से आए आप। ये बकरे कहाँ के? पूरा महबूब नगर का है। कौन सी किस्म है, नस्ल बकरे की? वो रेट रेट पूछ रहे कौन सी है बकरे की, वैरायटी वैरायटी क्या नाम है? पोटला है, तेलंगाना? हाँ तेलंगाना पोटला है, तेलंगाना पोटला है। ओके तेलंगाना पोटला है। कितने में है इसका प्राइस? इसका प्राइस है 13,000 बेच रहा हूँ, नहीं तो अभी के बहुत कम है, 12,000 में लास्ट फाइनल में दे रहा हूँ। 12,000 में एक जोड़ी बोला तो 24,000 जोड़ी, 24,000 की जोड़ी है। देखिए फाइनल प्राइस क्या है इसका? 12,000 फाइनल प्राइस है। एक साल का बच्चा है। एक साल है पूरा, एक साल का हुआ। अच्छा क्या है इसमें आपके साल रेट कहीं को बढ़ गए हैं बोल रहे हैं सब लोग? ये साल बहुत बढ़ गए हैं सर, क्यों बोले तो बहुत ज्यादा लेबर का प्राइसिंग बढ़ गया। अभी एक जाने एक महीने रुकना बोले तो जंगल में रुकना बोले तो बकरा के साथ उन्होंने 25,000 पूछ रहे, इससे पहले 18,000-15,000 में आया था लेबर लोगों, अभी 25,000 है। आप खुद पाल के बेचते थे? हाँ पाल के बेचते, एक साल से पाल रहा हूँ इसको। एक साल से पाल रहे हैं तो आप कम में भी बेच सकते हैं ना, आप कम गए को नहीं? मगर लेबर का ट्रांसपोर्टेशन का अभी पूरा ये पूरा मेहनत करना पड़ता, अभी एक साल से इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता ना अभी। अच्छा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं लिया था 1,000 बकरा लिया, 1,000 बकरा को कितना होता पैसे, उसका इंटरेस्ट भी देख लेना ना मैं। एक साल से लोन लेके लिया, उसका इंटरेस्ट भी देखना ना, वो पूरा पैसे आखिरी ईद के दिन तक रहते हैं। अभी बिके तो चले जाते हैं? बिके तो चले जाता हूँ सर। और लाके नहीं बेचते? नहीं मेरे पास जो भी है वही बेचता हूँ। अच्छा अच्छा, लाके जो मैं पाल रहा हूँ वही बेचता हूँ। हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। आपको क्या आता है इसमें प्रॉफिट है बहुत? अभी ये लास्ट ईयर प्रॉफिट था, लास्ट का ईयर पुराना प्रीवियस ईयर कोविड चल रहा था उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं था, बहुत नुकसान हुआ था, 10 लाख तक लॉस हुआ था। लास्ट ईयर 5 लाख एक प्रॉफिट आया, ये ईयर देखना ये ईयर ठीक है, ये ईयर भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। हाँ वही। अब ये मगर बकरों का प्राइस अभी कम होगा क्या आखिरी दिन तक? देखना सर, एक बार मार्केट का हिसाब से देखना पड़ता है, और अगर ज्यादा माल आ गया तो ज्यादा माल आया तो कम आएगा। ठीक है चलिए नाज़रीन आगे देखिए। ये देखिए नाजरीन, यहाँ पे हमारे को और एक ये जगह अच्छे जबरदस्त माशाल्लाह अच्छे बकरे मिले। देखते हैं पूछते हैं ये बकरों का क्या प्राइस है, क्या है क्या नहीं। बल्कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है भाई। चंद्रशेखर, कहाँ के? मैं मलकपेट का हूँ। मलकपेट यहाँ के से? हैदराबाद के। अच्छा तो ये बकरे आप कहाँ से आप खरीद के लाए? नहीं महबूब नगर के मेरे से। अच्छा महबूब नगर के, तो वहाँ पे आप लेके छोड़ देते क्या पालने? हाँ पालने छोड़ता हूँ। अच्छा क्या है अब ये बकरों का प्राइस क्या है? ये है 46 का जोड़ी। 46,000 जोड़ी, मतलब 23,000 रुपए का एक जोड़ी। ये कम से कम 20 किलो निकलता है। 20 किलो निकलता। अच्छा और ये कितने साल का है बकरा? है ये डेढ़ से दो साल का रहता। डेढ़ से दो साल। इसकी नस्ल क्या है? टकरी है। टकेरी। टकेरी है इसका नाम। अच्छा ठीक है, इसको क्या आएगा फाइनल क्या आएगा इसका प्राइस? ये 44 में आएंगे फाइनल। 44 में जोड़ी, जोड़ी मतलब 22,000 में आएंगी। कितना लाइव वेट क्या निकलता ये इसका? देखो 30 किलो रहता लाइव। 30 किलो लाइव रहता। अच्छा खाटे बाद में 20 किलो गोश्त निकलता। 20 किलो गोश्त निकलता। ओके अच्छा है, देखिए माशाल्लाह जबरदस्त है। देखिए पोटले पोटला देखे तो जो बोलते दिल भरना ईद के लिए बकरीद को ईद करने के लिए जैसा बोलते वैसे है, मगर इसके पैसे भी अभी ज्यादा दिख रहे हैं। अब ये कम होगा क्या लास्ट डे तक प्राइस इसका कुछ? नहीं इतना ही रहेगा भाई, आपके पास तो इतना रहेंगे नहीं, अगर माल ज्यादा आ गया खराब यहाँ पे तो नहीं उतना ही रहता। अब ये खत्म हो गए तो तुम चले जाते हैं? नहीं घर को चले और लाके बेचते? नहीं घर को चले जाते। घर को चले जाते। ये फर्स्ट ईयर है ना? हर साल करता हूँ। लास्ट ईयर क्या है कुछ प्रॉफिट हुआ? हाँ हुआ। अच्छा ये साल भी उम्मीद है फिर? हाँ उम्मीद है।
ये साल भी हमने कस्टमर अभी हर साल आते रहते। अच्छा उनको मालूम है आपका यहाँ एक दर्जन लिए तो कितने में भाई दर्जन की बात करो। ये भाई साहब खरीदने आए हुए, देखिए आप ये खरीदने आए हुए। जी जी जी, आपको क्या कैसा समझ में आ रहा है बकरा दिख रहा? बहुत महंगा दे रहे हैं, बहुत महंगा मिल रहा हो रहा है जी। आप कहीं और देख के आए मार्केट में? पहला यहीं से नहीं और देख के आए, वहाँ भी थोड़ा महंगा ही जा रहा है। हाँ कम करना चाहिए। तो फिर अभी आप अभी ले लेने वाले हैं ना, एक दो दिन वेट करके फिर देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे अगर समझ में आया तो अभी लेंगे। हाँ क्या है आपका एक्सपेक्टेड प्राइस, कहाँ तक लेना है बोल के कुछ? ये कम से कम जोड़ी जो है ना 20,000 में होना चाहिए, 18 से 20,000 में। 20,000 में जोड़ी? ये नहीं, ये बकरा नहीं मिलता होगा 20,000, दूसरे मिलते होंगे। जी जी जी, अच्छी बात। अरे माशाल्लाह, ये देखिए हमारे को एक और एक जबरदस्त बकरा मिला है यहाँ पर। ये भाई किसका है भाई, ये बकरे के ओनर कौन है भाई? वालेकुम सलाम जी भाई, आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। मोहम्मद मोइन जी, आप कहाँ के? यहीं के मुकाम मुशीराबाद का हूँ। अच्छा मुशीराबाद के, तो मुशीराबाद से यहाँ लेके आया बकरा बेचने? लेने आया मैं, खरीदने आया। अच्छा, खरीदने आया आप? खरीदे से? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बकरा खरीदे गए भाई, कितने में लिए? 35,000 में लिया। 35,000 में लिया, मगर भाई जबरदस्त बकरा लिया आप तो माशाल्लाह। देखे तो बकरीद के लिए जो बकरा खरीदना बोलते वो बकरा दिख रहा, देखिए ये जी। कहाँ से लिया आप? यहीं से लिए? यहाँ से लिया, यहाँ से आगे से लिए? आगे से लिया। अच्छा अच्छा, जबरदस्त खरीदे भाई माशाल्लाह, मुबारक आपकी बकरीद, आपको एडवांस में बकरीद मुबारक। ओके चलिए नाजरीन, देखिए भाई साहब को तो मिल गया, बहुत जबरदस्त बकरा खरीदे हैं, 35,000 में मिला है कहते, मगर बकरा देखे तो जबरदस्त है, आपको बोलना बकरीद के लिए ऐसी बकरा होना बोल के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखिए ये हमारे को एक यहाँ पे, ये जो जलपल्ली का मार्केट है यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त शानदार बकरे मिले हमारे को अभी, दिखे ये भाई साहब के है। जी भाई आपका नाम? मेरा नाम शाहिद बिन अहमद। शाहिद बिन अहमद, शाहिद भाई आप यहाँ के मुकामी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है जी, मैं यहाँ का मुकामी हूँ जी, हैदराबाद का जी जी। ये बकरे माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ये बकरे का प्राइस क्या है भाई? प्राइस देखिए 60,000 रुपये जोड़ी बता रहे हम लोग जी, जो भी है देखे निगोशियबल कर देंगे। अच्छा नेगोशिएबल है जी? हाँ ओके ओके, तो ये कितना है लाइव वेट, कितना निकलेगा? 55 किलो रहेगा आपको गोश, 40 किलो गोश आएगा आप। हाँ तो ये कोसे है, ये पोटले कोसी नस्ल के? तेलंगाना पोटला है ये, फार्म का पलेवा है ये। अच्छा फार्म का पलेवा है? फार्म का पलेवा है बिल्कुल। अच्छा, हमारे फार्म का पलेवा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कारोबार? नहीं हर साल करते हैं? हर साल करते हैं हम लोग, हर साल यहीं पे लगाते हैं? बिल्कुल यहीं पे लगाते हैं, यहाँ थोड़ा आगे पीछे आजू बाजू में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या है कैसा है रिस्पांस लास्ट ईयर आपको, क्या है प्रॉफिट हुआ था? बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था लास्ट टाइम, ये साल भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको, क्योंकि हम चीज वैसे रखते हैं, हम एक यूनिक यूनिक बकरे दिख रहे हैं आपके पास के, और ये आयुष्मान लोग आके लेते हैं हमारे पास जी। अब तक आप ये कितने थे टोटल, इसमें से कुछ बिके आपके पास? 54 बकरे थे, अभी 19 बचे हुए। 19 बचे हुए माशाल्लाह, की बात बोल रहा हूं आप। अच्छा, यानी आज जो इतवार का दिन है, देखिए अभी तक भाई 54 में से बेच दिए, 19 बचे हुए कहते, ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ। तो ये खत्म हो गया तो आप और लाके बेचेंगे? नहीं बस लाएंगे ना साहब, लाएंगे ना बिल्कुल। अच्छा ईद के आखिरी दिन तक लाके बेचेंगे? बिल्कुल, आप लोग दुआ करिए फिर लाके आवाम को वो करेंगे, हम सप्लाई करेंगे माशाल्लाह। तक आएंगे बोल दीजिए आप, आप इंशाल्लाह आपके अगर चैनल के थ्रू आए तो देखे एकदम निगोशिएबल करके देंगे। हमारा चैनल रोज न्यूज है, देखे रोज न्यूज का नाम लेके आए तो क्या देंगे आप कुछ भी बता दीजिए, ताकि जरूर जब कस्टमर आएंगे आपका नाम लेके तो बराबर आपका आपकी बात रखेंगे बस जी। आपका मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9848297439। देखिए ये भाई का मोबाइल नंबर है, ये जलपल्ली की जो एयरपोर्ट कार्गो रोड है, कार्गो रोड के पास इनके बकरे है लगे हुए, आप आके ले सकते हैं, और हमारे चैनल का नाम बोलिए और स्पेशल डिस्काउंट भी करता हूँ बोल रहे हैं भाई। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई। ये देखिए नाज़रीन, हमारे को ये एक और एक जगह ये बकरे मिले हैं, ये बकरों का भाई साहब से पूछते हैं क्या रेट है, ये जलपल्ली की रोड पे ही है। कौन है भाई यहाँ के? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी भाई, आपका नाम? सैयद अजमत अली है भाई। सैयद अजमत अली जी, अजमत भाई अपने तेलंगाना के पोटले हो भाई, दो दांत के, 12 से 14 महीने के,
जोड़ी अपन 18,000 से निकाल रहे हैं। देखिए कोई है तो अपने बात करें 18,000 से माशाल्लाह। देखिए भाई 18,000 में जो रेट बोले भाई साहब, हम वहाँ से देख लेते आ रहे हैं। 18,000 का जो 18,000 में जोड़ी आने, 9,000 रुपये में एक बकरा पड़ेगा। देखिए ये तो इसको क्या है, फाइनल प्राइस कुछ कम होगा? नहीं, अगर आप पूरा लाट ले रहेंगे तो अब इंशाल्लाह उसमें हम कर देंगे, कम कर सकते। अच्छा, लाट लिए तो कम करेंगे, मगर एक एक दो दो लिए तो कम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। आपका कितने किलो का है भाई अंदाजा है, लाइव वेट? 20 किलो तक आ जाता है। 20 किलो तक लाइव आता है, यानी कटे बाद एक 10-12 किलो आता हूँ? नहीं, लाइव कटे बाद आपको 15-16 किलो आराम से निकल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आप ये जो बकरे हमारे को मिले हैं, ये बकरे तेलंगाना के पोटले से बोले भाई साहब। आप कहें के यहाँ के मुकामी हैं? किशन बाग पे अपना घर है। अच्छा, किशन बाग पे। तो आप ये लेके लॉट ला के बेच रहे हैं सर क्या? जी, अपना खिदमत अंजाम के लिए निकाले लाए सर। अच्छा अच्छा, गाँव से लेके आए? जी नहीं, आप फार्मिंग करते हैं इसकी? नहीं नहीं, अपनी फार्मिंग भी है। अच्छा, साथ में ये भी कर रहे हैं बोला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। मोबाइल नंबर बोल दीजिए आपका। 6301840624। सुन लिए ना भाई साहब का नंबर है। देखिए, अगर आपको 18,000 में जोड़ी चाहिए तो आप यहाँ आके ले लीजिए, जलपल्ली की एयरपोर्ट कार्गो रोड पे। लास्ट ख़त्म से पहले देखिए ये इनका स्टॉल जो लगा हुआ है यहाँ पे। तो नाजनीन, ये थी रोज़ न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट, बकरीद की बकरीद स्पेशल। मैं आपका मेज़बान एसएम मसूद अहमद और हमारे रिपोर्टर एसएम मुख्तदिर अहमद के साथ आपके लिए हम ये खसूसी रिपोर्ट पहुँचा रहे थे। जलपल्ली मार्केट जो है बकरे का, मार्केट पे जो बकरों का रेट है आज के दिन, आज यानी इतवार का दिन है, देखिए 25 जून को जो रेट है ये हिसाब से हम बताएं। उम्मीद करते हैं कि आगे ईद के एक दिन पहले तक भी और शायद माल आएगा पूरे शहर में। अगर आया तो, अगर जो लोग आज ख़रीदना या कल ख़रीदना चाहते हैं वो लोग भी आकर यहाँ पर ये मार्केट से इस्तेफादा अदा कर सकते हैं। नहीं तो आप जो लोग आखिरी तक रुक के लेना चाह रहे हैं वो लोग भी आके, आखिरी दिन तक भी रहता है यहाँ पर मार्केट, आप आके ले ले सकते हैं। इसी के साथ आपका मेज़बान एस एम मसूद अहमद, मैं आप तमाम से विदा चाहता हूँ। रोज़ न्यूज़ की पूरी टीम के साथ आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।